हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स जिन्हें साइकोलॉजी भी रिलेट करती है। मैं ये नहीं कहती कि ये सारे फैक्ट्स सही होंगे या फिर सभी पर अप्लाई होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। 90% लोग ये अप्लाई होंगे, बट नॉट 100%, बट हाँ 90% लोगों पर ऐसे फैक्ट्स अप्लाई होते हैं। आप मानेंगे नहीं लेकिन ऐसा होगा। लेकिन अब जब जैसे जैसे इन चीज़ों को ट्राई करेंगे ना, तब आप धीरे धीरे विश्वास करेंगे कि हाँ ये फैक्ट्स सारे के सारे सही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे फैक्ट्स शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला फैक्ट है कि जब भी आपकी रात को नींद उड़ जाती है तो इसका मतलब ये है कि कोई आपके बारे में सोच रहा है। जी हाँ, जब आप सो रहे होते हैं और अचानक से जब आप उठ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई इंसान आपके बारे में सोच रहा है या फिर कोई इंसान को आपका सपना आया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको किसी का सपना आया है, तो जिस इंसान का आपको सपना आया है या फिर जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, वही इंसान नींद से उठ जाएगा। जी हाँ, यह बिल्कुल सच है। ठीक है, आज का हमारा सेकंड फैक्ट है कि जब भी आप सो रहे होते हैं, नींद में होते हैं, तब आप खांसी या छींक नहीं ले पाते हैं। मेरा मतलब है कि जब आप सो रहे होते हैं तब आपको खांसी छींक नहीं आ सकती। खांसी छींक आपको तभी आएगी जब आप जाग रहे होते हैं। इसका मतलब कि जब भी आप नींद में खांसते हैं या छींकते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उस टाइम के लिए आप जाग जाते हैं, उस टाइम आपको नींद नहीं आ रही होती है। जी हाँ, ऐसा ही होता है। अगर आप किसी को खांसते या नींदों में छींकते हुए देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो सो नहीं रहा है, वो जाग रहा है। तो ये भी एक तो सच है। ठीक है, सो हमारा आज का थर्ड फैक्ट है कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप बोले कम और सुने ज़्यादा। इससे होगा क्या कि जो लोग आपकी बात, मतलब जिसके साथ आपकी बात हो रही है ना, वो क्या करेंगे, वो आपको पसंद करेंगे, उनका ट्रस्ट लेवल बढ़ जाएगा आप पर। अब जैसे आप उनकी बात सुनेंगे तो आप उन्हें पसंद भी आने लगेंगे। वैसे ही अगर आप उनकी बात इग्नोर करेंगे तो ये सिंपल सी बात है कि कोई भी इंसान ये पसंद नहीं करता कि उनकी बात को इग्नोर किया जाए या उनकी बात को सुना ना जाए। इसीलिए आप अगर उन्हें ध्यान से सुनेंगे, जो भी वो खुद के बारे में या कुछ भी बता रहे हैं, उस चीज़ को ध्यान से सुनिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी ये है कि इस चीज़ में आपका नॉलेज भी बढ़ता है। जी हाँ, अगर आपको कोई कुछ बता रहा है तो ज़रूर अगर आप उसे ध्यान से सुनेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ आपके काम आएगी। दैट मीन्स आपका नॉलेज भी बढ़ा है। ठीक है, अब हमारा आज का चौथा फैक्ट है कि जब भी आप कोई चीज़ याद करते हैं और उन्हें भूल जाते हैं, मोस्टली ये होता है स्टूडेंट्स के साथ या जो स्टूडेंट्स वीक हैं उनके साथ मोस्टली ये चीज़ें होती है कि नहीं, उन्हें याद नहीं रहती है ये चीज़ें। तो एक साइकोलॉजिस्ट फैक्ट को मानती है कि आप उसे कोई कहानी के रूप में बना लीजिए या फिर कोई सॉन्ग के रूप में उस चीज़ को बनाइए जिससे वो आपको अच्छे से याद रहेगा। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है, 101% ये सच है। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो ट्रस्ट मी, आप वो चीज़ काफ़ी टाइम तक भूलेंगे नहीं, वो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। ये बिल्कुल सच है, ये चीज़ें होती है, ये बिल्कुल सच है। ठीक है, आज का हमारा फिफ्थ फैक्ट है कि जो लेडीज़ होती हैं वो जेंट्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा, मतलब, सेंसिटिव होती हैं और थोड़ी इमोशनल होती हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि जो लेडीज़ होती हैं ना, उनको डरावने या बुरे सपने ज़्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू जेंट्स। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि जेंट्स को नहीं आते, जेंट्स को भी आते हैं, बट एज कम्पेयर टू लेडीज़ उन्हें उनके मुकाबले कम सपने आते हैं। और ये भी होता है कि उन्हें सपने आते हैं और वो सपने याद भी नहीं रख पाते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। आप जो भी लेडीज़ या जेंट्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप ये चीज़ खुद पर अप्लाई करके देखिएगा, आपको ज़रूर पता लग जाएगा कि ये सच है। ठीक है, हमारा आज का सिक्स्थ फैक्ट है कि जब भी आप किसी को झूठ बोल रहे हैं या फिर कोई गलत चीज़ बता रहे हैं जो सही नहीं है, तो उस टाइम अगर आप हल्का सा शर्मा जाए ना, तो ट्रस्ट मी, अगला बंदा यही सोचेगा कि आप
सच बोल रहे हैं। उनके माइंड सेट ऐसा बन जाएगा कि आप सच बोल रहे हैं, चाहे आप झूठ ही बोल रहे हैं, बट आप थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए और थोड़ा सा बात बताते टाइम ना, थोड़ा थोड़ा अगर आप शर्माएंगे ना, तो उनको ज़रूर विश्वास हो जाएगा कि आप सच बोल रहे हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है, आप ज़रूर ट्राई करके देखेगा। हालांकि झूठ बोलना गलत है, नहीं बोलना चाहिए, बट कहीं कहीं हमें ज़रूरत पड़ जाती है, जहाँ पे झूठ बोलकर ही बहुत सी चीज़ें सही की जा सकती है, बहुत सी चीज़ें झूठ में ही सही होती है। नहीं बोलना चाहिए झूठ, बट हर जगह ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है, कहीं जगह झूठ बोलना भी काम आ सकता है। सो अगर आप ये फैक्ट अप्लाई करेंगे, एक बार आप अप्लाई करके देखिएगा, इसे लागू करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये फैक्ट सच है। अगले इंसान का माइंड सेट उसका यही हो जाएगा कि वो मान जाएगा कि हाँ, आप सच बोल रहे हैं, बस आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने की ज़रूरत है, और आप थोड़ा सा शर्माएंगे तो वो ज़रूर मान जाएंगे कि आप सच बोल रहे हैं। यस फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है। सो ठीक है, हमारा आज का 7th फैक्ट है कि जैसे कि आपको कोई चीज़ याद नहीं आ रही है, बहुत से लोगों के साथ होता है कि हमें वो चीज़ एकदम ज़ुबान पे रहती है, एकदम मतलब एक बार ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा सा कोई हिंट दे देना तो वो चीज़ हमें याद आ जाएगी, बट नहीं आ रही होती है उस टाइम याद, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम उस चीज़ को याद करना है करना है करना है, बट वो नहीं आती उस टाइम याद। मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता है। तो इसमें क्या होता है कि साइकोलॉजी के फैक्ट के अनुसार आप क्या करें कि आप अपनी आंखें बंद कर लें। जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करेंगे, मन मतलब एक तरीके से मेडिटेट करेंगे, मन पूरा उस चीज़ पे फोकस करेंगे, तो वो चीज़ आपको अच्छे से याद आ जाएगी। बहुत बढ़िया फैक्ट है ये, बहुत ही काम का फैक्ट है ये, कि जब भी आपको कोई चीज़ याद ना आ रही हो, आप एक बार के लिए आंख बंद करें और उस चीज़ के बारे में सोचें, वो चीज़ आपको ज़रूर याद आ जाएगी। जी हाँ, यह बिल्कुल सच है, आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। सो हमारा आज का अगला 8th फैक्ट है कि अगर आप भीड़भाड़ के इलाके में हैं, भीड़भाड़ मीन टू से कि कोई ओकेज़न है, फंक्शन है, शादी है या कुछ भी है, अगर आप किसी भीड़भाड़ के एरिया के अंदर हैं, अगर आप अपना अट्रैक्शन बढ़ाना चाहते हैं या फिर अटेंशन गेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही काम का फैक्ट है, वो ये है कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप 2 कलर के कपड़े मेनली पहनिए, पहला रेड और दूसरा है ब्लैक। जी हाँ, ये 2 कलर्स बहुत ही ज़्यादा अटेंशन क्रिएट करते हैं इंसान की। आप भी कभी ट्राई करके देखिएगा कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, किसी ने ब्लैक या रेड कलर के कपड़े पहने हैं, तो मेनली आपका ध्यान पहले उन पर जाएगा, बाकी लोगों पर भी जाएगा, बट इन 2 कलर्स पर इंसान ज़्यादा अटेंशन क्रिएट करता है। ये 2 कलर्स अपने आप को, खुद को, इंसान को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे मतलब ये हो जाएगा कि आपको अटेंशन मिलेगी और आप पे लोग ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे आज के फैक्ट यहीं ख़त्म होते हैं। मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, ये भी साइकोलॉजी के हिसाब से बिल्कुल सही है, कि जो इंसान जितना ज़्यादा साइकोलॉजी के बारे में जानता है ना, उसके सक्सेस होने के चांसेस 70% तक बढ़ जाते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है, जो इंसान ज़्यादा साइकोलॉजी के बारे में जानता है, उसके 70% चांसेस सक्सेस होने के ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा साइकोलॉजी के बारे में पढ़िए, बुक्स पढ़िए, वीडियोस देखिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आप साइकोलॉजी के बारे में जानिए, इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आपके सक्सेस होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल ऐसे ही कुछ फैक्ट्स, कुछ नॉलेजेबल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अलविदा।